हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नबील और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आपने थंबनेल से बता लगा दिया होगा कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। ये तो गाइस आपने बिल्कुल सही सुना, आज हम बनाने वाले एक्सपी फार्म बिना किसी बकवास के। वीडियो करते हैं जल्दी से, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, यू नो अबाउट मैं ऑफलाइन वेट की बहुत सारी ग्राइंड करता हूँ। और भाई देख, तो मैंने एक फार्म बना दिया जो है हमारा आयरन फार्म, सस्ता क्वालिटी, थर्ड कॉपी सही है, फर्स्ट कॉपी बोलो, थर्ड कॉपी बोलो, वो ये फार्म है, ठीक है। और अब मैंने इसको बनाया, इस ये काम मेरे करता है। देखो, हमें किसी को भी ना टपली मारना, इसको टपली मारी और अब इससे मार खाओ, ये जब हमें मार देगा तो बस यही हमारा है फार्म। नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ, अब हमें मैं बताता हूँ कैसे काम करता है ये। कुछ इस तरह से ये फार्म वर्क करता है, तो आपने देख लिया। अब हम चलते हैं हमारे में जिसके हमें करनी है बहुत सारी प्रिपरेशन। जब मैं इस वीडियो को बनाने लगा था, मुझे लगा था बहुत आसान होगा, लेकिन बाद में पता चला इस वीडियो को बनाने में पूरा दिन जाने वाला है। लेकिन सच में इस वीडियो को बनाने में मुझे 3 से 4 घंटे लग गए। मटेरियल बहुत ज़्यादा कम पड़ा, अब मैं आपको जल्दी से मटेरियल कलेक्ट करता हूँ, फिर मिलता हूँ 2 मिनट के अंदर। छत लगा दी नहीं, सबसे पहले नीचे मैंने पहले ही लगाया था, क्योंकि बहुत खतरनाक तरीके से मैंने लगाई है तो वो दिखाना नहीं चाहता था। यहाँ पे आपको 4 होपर लगाने हैं चेस्ट की तरफ फेस करते हुए, ठीक है। और इसके ऊपर आपको 4 स्लेब लगा देना, कोई से भी लगा दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप, क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी एक्सपी रुक सकती है तो इसलिए लगाना पड़ते हैं, वरना होपर के अंदर आपकी एक्सपी चली जाएगी और वो एक्सपी आपको मिलेगी नहीं, डिस्पोन हो जाएगी। तो यही मसला है। बाकी देखो, यहाँ पे मैं इसलिए नहीं लगा रहा, फिर चढ़ने के में मसला होता है इसलिए। बाकी अब मैं आपको है ना इस फार्म को कंप्लीट नहीं, आपको थोड़े थोड़े से टाइम लैप्स दिखा के मिलता हूँ 2 मिनट के अंदर। अभी मैंने बना दिया और इसकी हाइट 21 ब्लॉक, ठीक है। ये जो फार्म की जो ऊंचाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ, 21 हाई है, ठीक है इसका। और यहाँ से अब मुझे 8 ब्लॉक खींचना है, तो मैं खींचता हूँ और आपको थोड़े मोटे छोटे मोटे टाइम लैप्स दिखा देता हूँ। अब कंप्यूटर जैसे तो नहीं आ सकते ना, पीसी वाले टाइम लैप्स, तो आप बस इसी को एंजॉय कर दो। और अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल भी नहीं सब्सक्राइब लाजमी कर देना प्लीज़ यार। आपका 1 लाइक मिलता है और मुझे इतनी खुशी होती है जिसकी भी वादा नहीं, तो प्लीज़ 1 लाइक कर दिया करो। और एक अगर न्यू हो ना चैनल पे तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिले भाई, कि मेरे यूट्यूब मेरे चाहने वाले हैं जो मुझे देखते हैं और भाई मेरी वीडियो को लाइक भी करते हैं, तो मैं आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियो लाया करूँगा।
तो गाइस अभी एक मसला हो गया, देखो मेरी वुड भी ख़त्म होने वाली है, वुड तो छोड़ो, या मेरे पास दो वाटर बकेट नहीं है, मैं वो लाना ही भूल गया, तो मैं इसे लाता हूँ। और भाई मैं आपका सीधा जब मेरा पूरा फार्म कम्प्लीट हो जाएगा तभी बता देता हूँ। और भाई जो मेरे फार्म के अंदर छोटी मोटी गलती हो गई ना, आप कमेंट करके मुझे बता देना, मैं उसे सही कर दूँ। और प्यारा सा हार्ट दे देना अगर अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो, प्लीज़ प्लीज़ एक हार्ट दे देना। और चलो पानी भी ले लेता हूँ और फिर ऊपर जाता हूँ और पूरा फार्म कम्प्लीट करके आपको मिलता हूँ 2 मिनट के अंदर। सो गाइस अभी आप कह सकते हो कि ये फार्म 90% बन चुका है गेम, और ये बस 90 बस था और अभी बस होने वाला 100% भी। लेकिन भाई मैं इसको क्या पता अगले एपिसोड के अंदर इसे बड़ा कर दूँ, नेक्स्ट एपिसोड में इसको डबल मेगा फार्म कर दूँ, ठीक है। क्योंकि देखो एक फार्म कितने ही प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, मॉब्स को, तो हमें चाहिए बहुत सारे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक और फ्लोर बना देंगे, इस कोबल स्टोन स्लैब को हटा देंगे और दूसरे वाले लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे बस मेरा काम ऑलमोस्ट डन ही होने वाला है, देखो अभी तो यहाँ लगा देंगे और बस हमारा बस ये दूसरे स्लैब भी, और इस हो जाने के बाद मेरे को यहाँ पे टॉर्च भी लगानी है, उन टॉर्चों को भी जल्दी जल्दी लगा देता हूँ आपके सामने क्या है, अरे अभी जल्दी से बना के यहाँ लगा देता हूँ। और ये कॉल मुझे भाई जब मैं आयरन फार्म बना रहा था तब मिला था, आपको क्रिएटिव नहीं भूल देना, ठीक है। जो मेरे को हर एक बतानी पड़ती है, क्रिएटिव कर जाता है, ठीक है। तो एक फाइनल लुक भी आपको दिखा दूँगा, यहाँ पर टॉर्चेस लगा देता हूँ, फिर आपको फाइनल लुक दिखा देता हूँ कैसा है। सो गाइस देख सकते हो मैंने फार्म को भाई चारों तरफ से फैन से कवर कर दिया, एक एक्स्ट्रा बचा उसको मैंने साइड में रख दिया। अब चल के देखते हैं भाई काम वर्क करने का है कि नहीं। ओ भाई आते के साथ क्रीपर, भागो 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 भाई, क्रीपर फट जाता ना पूरा फार्म का सत्या ना हो जाता भाई सॉरी, लेकिन क्या करूँ अब मैं फट जाता। चेस्ट तो कभी नहीं पड़ेगी क्योंकि वो पानी के अंदर है। और मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, देखो कितना अच्छा वर्क कर रहा है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कर रहा क्योंकि मॉब्स स्पॉनिंग रेट भाई बिल्कुल ज़ीरो मेरे को लग रहा है। क्योंकि भाई देखो आप जानते हो कि सेकंड फ्लोर होगा तब ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, मैंने इसको पानी के अंदर तभी बनाया कि ताकि दूसरे मॉब स्पॉन नहीं हो सके। और लेकिन फिर भी भाई बहुत कम है, क्या करूँ अब मैं इसका, आप कमेंट में बताना है। मैंने क्या कहते हैं उसको क्राफ्टिंग टेबल लगा दिए, आप कमेंट डाउन करके लाजमी बताना। और वैसे आपको ये वाली वीडियो कैसे लगी गाइस जल्दी कमेंट में बता देना, और भाई इस फार्म को फिक्स कैसे करूँ वो भी बता देना, लाइक कर देना इस वीडियो को, इस वीडियो पे हम करते पूरे 10 लाइक का, और चैनल पे ये सब्सक्राइब लाजमी कर दो।